हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे प्याज और अंडा का पकौड़ी। उसके लिए आप लोगों को क्या क्या सामान चाहिए चलो देखते हैं। इसमें लिए है हमने 4 बड़ी प्याज पतली पतली काटी हुई और 1 कप बेसन और 2 अंडे और 2 से 3 हरा मिर्ची, आधा चम्मच हल्दी, अजवाइन और स्वाद अनुसार नमक लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। हम इसके लिए बनाने कैसे बनाते हैं, इसके लिए हाथी पैर डाल देंगे और हरा मिर्च और अजवाइन क्रश करके डालेंगे हम लोग। नमक पूरा नहीं डालेंगे, जितना आपको चाहिए उतना ही ले लेंगे। इस पहले मलेंगे हम, मलने से क्या होगा सब पानी निकल जाएगा। इसे मलने से दबा दबा के फिर हम इसमें डालेंगे 2 अंडे। अच्छे से मिला देंगे इसी में, और हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन भी एक साथ नहीं डालते हम, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डाल के फिर मलेंगे, फिर और डालेंगे। जितना हमें चाहिए उतना ही लेंगे, पूरा लेना वो जरूरी नहीं है, जितना आपको लगेगा उतना ही लेना। धीरे धीरे मिलाते जाएंगे और डालते जाएंगे। आपको कितना चाहिए गीला हो देखना, पानी आपको एकदम नहीं डालना है इसमें, जैसे पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिना पानी का बनाएंगे। इसमें हमें और जरूरत महसूस हो रहा है तो हम इसे एक पूरा डाल देते हैं। एक साथ आप मत डालना, कभी क्या होता है ज्यादा हो जाता है। धीरे धीरे करके डालेंगे, धीरे धीरे मलते जाएंगे। पानी का इस्तेमाल एकदम बिल्कुल एक बूंद भी पानी नहीं डाला हमने इसमें, क्योंकि प्याज से पानी छोड़ दिया है और अंडे भी डाला है हमने इसमें। देखिए अब ये मसाला रेडी हो गया है और तेल हमने पहले ही गर्म करके रख दिया है, क्योंकि इसमें ये रख बना के रख नहीं सकते। तेल हमने गर्म करने पहले रख दिया है, ये देखिए एकदम अलग अलग सा है, मतलब पूरा पानी ही नहीं है, एकदम ड्राई ड्राई सा है। हम ऐसे इसको बनाएंगे। शुरू करते हैं हम बनाना। हमारा ये डो रेडी हो गया है। देखिए हमने तेल पहले गर्म करने रख दिया था, एकदम गर्म तेल चाहिए हम लोग को, ठंडा तेल नहीं चाहिए। ठंडा क्या होता है वो अंदर से नरम हो जाएगा, हम लोग को पकौड़ी क्रिस्पी चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं, अभी ऐसे करेंगे छोड़ देंगे। गोल गोल बिल्कुल नहीं बनाना है, बस ऐसे करने ऐसे छोड़ देना है। पार्टी कर देंगे, हमारे नीचे से लाल हो चुका है। देखिए
अब हमारा पकौड़ा रेडी हो चुका है, एकदम गोल्डन कलर में होना चाहिए। चलिए इसे हम निकाल देते हैं। हमारी पकौड़ी बन चुकी है। अब जब भी पकौड़ी निकालेंगे तो एक पेपर प्लेट में पेपर नैपकिन रख के निकालिएगा, क्योंकि उससे थोड़ा तेल सोख लेता है। जो हम जितने बचे हम वैसे करेंगे। हमारा जो बचे पकौड़ी थी वो भी रेडी हो गई है, उसे निकाल देते। चलिए हम लोग को पकौड़ी रेडी है। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। देखिए आप बना के खाइए, एक बार ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे मार्केट में मिलती भी नहीं है अंडे वाली, और घर पे बना के खाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको।